हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपको एक बहुत प्यारी सी बेबी कैप बताना जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं एक बेबी कैप बना रही हूँ। ये मैं 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने यहाँ पर 95 फंदे डाले हैं और 95 फंदे डालने के बाद ये देखिए, मैंने इसमें 10 धारियाँ ये वाली उल्टी उल्टी, यानी कि 20 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी की हैं। और उसके बाद मैंने इसमें ये आठ सिलाई मैंने उल्टी सीधी की है, एक सिलाई सीधी एक उल्टी। इतना पोर्शन ये हमारा बन गया है। ये हमारा सर का बॉर्डर बना है और ये ऊपर का। अब हमें इसमें कटवर्क बनाना है। कटवर्क बनाने के लिए हमें अपने फंदों को 10 भागों में डिवाइड करना है। तो हमारे पास 95 फंदे हैं तो 10 में नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम एक कली, इसमें हमें 10 कलियाँ बनानी है। एक कली 10 फंदे की बनाएंगे, फिर 9 की, फिर 10 की, फिर 9 की। तो पहली कली हम 10 फंदे की बनाएंगे। उसके लिए देखिए, ये पूरी कैप हम 11 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। ये देखिए, शुरू की कली हम 10 फंदों की बनाएंगे। उसके लिए ये देखो, यहाँ ऐसे जब हम सिलाई बनाएंगे तो हम यहाँ पर शुरू में हम 2 का 1 करेंगे फंदा, सॉरी पहला फंदा हम उतार लेते हैं ऐसे, और अब हम यहाँ पर 2 का 1 करते हैं। ये हमने 2 का 1 किया, इट मीन्स हम 3 फंदे बुन चुके हैं। अब हमें 7 फंदे और बुनने हैं। ये देखिए, अब ये हमारे 9 फंदे रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम उल्टी सिलाई पर आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर हम फिर से ऐसे ही करेंगे। ये धागा आगे लाए, ये धागा हम आगे ले आए हैं, और यहाँ पर उसी तरह सेम पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, और अब यहाँ पर 2 का 1 करेंगे ऐसे, और अब ये बाकी के 6 फंदे हम बुन लेते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे रह गए। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 करेंगे। ये हमने 2 का 1 किया, और अब ये 5 फंदे हम बुन लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा हर बार एक एक फंदा कम होता जाएगा, और लास्ट में हमारे ये सारे फंदे ख़त्म हो जाए। ये हमने स्लिप किया और ये हमने यहाँ पर 2 का 1 किया, और ये 4 फंदे स्लिप कर लिए, सॉरी बुन लिए। फिर हम सीधी सिलाई पर आ गए, या फिर हमने ये स्लिप किया, ये हमने 2 का 1 किया, और ये 3 फंदे बुन लिए। ऐसे ही हम इन सारे फंदों को ख़त्म कर देंगे। अब उल्टी सिलाई पर आ गए हैं, ये हमने स्लिप किया, यहाँ 2 का 1 किया, और ये 2 फंदे हमने बुन लिए। अब हम फिर से सीधी सिलाई पर आ गए हैं, यहाँ हमने पहला फंदा स्लिप किया और ये वाला हमने 2 का 1 किया। और ये ऐसे, अब हम फिर उल्टी पर आ गए हैं। अब हमारे पास स्लिप करने के लिए 1 फंदा ही है ये, और ये हमने 2 का 1 किया ऐसे। अब हम सीधी सिलाई पर आ गए हैं, और यहाँ हम इन 2 फंदों का 1 फंदा बना देंगे ये, और अब इस फंदे को हम ऐसे ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा एक ऐसे कॉर्नर बनकर, ऐसे एक ऐसे कॉर्नर जैसा बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम इसके पूरे जो हमारे 95 फंदे हैं, पूरे फंदों का ऐसे ही बना लेते हैं। इस बार हमने 10 फंदों का बनाया है, तो इस बार हम 9 फंदों का बनाएंगे, और हम आखिर तक ऐसे ही बनाते जाते हैं। ये धागा हमें तोड़ना पड़ेगा और यहाँ अलग से जॉइंट करना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से हमने अपने ये कॉर्नर कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखो, ये हमारे ऐसे 10 कॉर्नर बने हैं।
ये हमारे थोड़ा ब्लैक कलर है इसलिए आपको कम नज़र आएगा, ये 10 कॉर्नर बन गए हैं। और फिर हमने इसमें ये देखो इधर यहाँ पर जहाँ ये जो हमारी उल्टी साइड है जहाँ हमने अपना ये उल्टी उल्टी का बॉर्डर ख़त्म किया था, थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, जहाँ हमने ये उल्टी उल्टी सिलाई का बॉर्डर ख़त्म किया था वहाँ पर हमने सेम उतने ही 95 फंदे उठा लिए हैं और इसको अब हमें उल्टा सीधा बुनना है। अब मैं ये रेड कलर का उल्टा और सीधा बुन लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा रेड पार्ट ये बन गया है, ये हमने इतना रेड प्लेन बना लिया है, ये वो हैं जो हमने कॉर्नर्स बनाए थे। अब हमें देखिए ये कितना बनाना है, मैं 3 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैंने रेड पोर्शन प्लेन वाला 4 इंच बनाया है, टोटल हमारी कैप अब 5 इंच हो गई है। अब हम इसमें देखिए ब्लैक और वाइट धागा लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम एक फंदा रेड बुनेंगे। अब हम ऐसे लेंगे और ब्लैक और वाइट हमने दोनों धागों को ऐसे ज्वाइंट कर लिया है। अब हम सबसे पहले एक वाइट फंदा बुनेंगे, अब हम 2 फंदे रेड बुनेंगे, एक 2, अब हम एक फंदा ब्लैक बुनेंगे, फिर हम 2 रेड बुनेंगे। हमें रेड हर बार बुनना है और एक बार ब्लैक बुनना है और एक बार वाइट, 1, 2 रेड, इस बार हमें 1 वाइट बुनना है, फिर 2 रेड बनाने हैं, 1 और 1, 2, अब हमें 1 ब्लैक बनाना है। ये देखिए हमारा धागा ना उलझे इसके लिए जब हम रेड लेंगे तो वाइट को उसके ऊपर से ऐसे उतार लेंगे। अब हमें फिर से 2 रेड बनाने हैं, रेड हमारे हर बार 2 रहेंगे और एक बार देखो इस बार हमने ब्लैक बनाया था तो इस बार हम वाइट बनाएंगे, धागा ऐसे, अब हमें रेड बनाना है, ब्लैक को इसके ऊपर ले आते हैं और फंदा हम रेड बनाएंगे, 1, 2, ये हम पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेते हैं, 2 रेड 1 वाइट 2 रेड 1 ब्लैक, एक बार वाइट आएगा एक बार रेड आएगा। ये देखिए ये हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, अब हम इसमें से रेड धागे को हटा देते हैं। ये देखिए हमने रेड धागा कट कर दिया है, अब हम उल्टी सिलाई पर आ गए हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, केवल एक ही सिलाई में परेशानी थी। पहला फंदा हमारा ब्लैक है तो ये हम ब्लैक या बुनिए या उतारिए, ये जो 2 रेड है इनमें से हम 1 ब्लैक और बना लेंगे। अब हम धागा ऐसे करेंगे और यहाँ पर ये जो वाइट के बराबर का फंदा है इसको वाइट बनाएंगे, वाइट को वाइट बनाएंगे, 1 और, यानी कि हमारे 3 वाइट हो गए। अब ब्लैक है, यहाँ ब्लैक है तो ब्लैक के बराबर वाला हम ब्लैक बनाएंगे, इसको भी ब्लैक बनाएंगे और इसको भी। इस बार अब ये वाइट वाइट फंदा है इधर तो वाइट के बराबर में वाइट, ये वाला वाइट और ये वाला वाइट, अब फिर ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक और ये ब्लैक, इट मीन्स अब हमारी पूरी सिलाई 3 ब्लैक और 3 वाइट की होती जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये हमारी पूरी सिलाई हो गई है, हमारे पूरी सिलाई में 3 ब्लैक और 3 वाइट फंदे हो गए हैं। अब हम इसी तरह से इसमें 8 सिलाई ऐसे ही बनाएंगे, 3 वाइट 3 ब्लैक, वाइट के ऊपर वाइट और ब्लैक के ऊपर ब्लैक। अब मैं ये 8 सिलाई बना लेती हूँ, जो वाइट फंदे हैं वाइट और जो ब्लैक है ब्लैक। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने 8 सिलाई बना ली है, ये अब हमारा, अब हम इन फंदों को क्या करेंगे वो देख लीजिएगा। ये हमारे शुरू में एक एक्स्ट्रा फंदा था इसको स्लिप कर लेते हैं और यहाँ पर ऐसे 2 फंदों 2 वाइट का 1 बनाएंगे और 1 वाइट सिंपल। अब ब्लैक पे आ गए, ब्लैक में भी यहाँ 2 का 1 बनाएंगे और 1 फंदा सिंपल। अब वाइट में शुरू में यहाँ 2 का 1 बनाएंगे और 1 सिंपल। अब ब्लैक में 2 का 1 बनाएंगे और 1 सिंपल। वाइट में 2 का 1 बनाएंगे और 1
सिंपल। इट मींस पूरी सिलाई अब हमारी दो उल्टी और दो सॉरी ब्लैक और दो वाइट की होती जाएगी। यहाँ हम दो फंदे, ये देखो जैसे ये तीन फंदे हैं, शुरू में दो का एक बना लेंगे, ये वाले शुरू के दो का एक बनाएंगे और ये एक सिंपल। पूरी सिलाई हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए ये हमारी अब पूरी सिलाई तीन की जगह दो वाइट दो ब्लैक, दो वाइट दो ब्लैक, और इस तरह से अब इसमें हमारे 32 फंदे घट गए हैं। अब हम इसी तरह दो वाइट और दो ब्लैक की चार सिलाई बनाएंगे, वाइट पर वाइट और ब्लैक पर ब्लैक। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी चार सिलाई यहाँ से कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से फंदे घटाने हैं, एक फंदा ये एक्स्ट्रा स्लिप करेंगे और यहाँ पर हम इनका दो का एक बनाएंगे। ये जो दो ब्लैक थे इनका भी दो का एक बनाएंगे ऐसे। अब ब्लैक फिर वाइट का दो का एक बनाएंगे ये, और अब हम ब्लैक का दो का एक बनाएंगे। पूरा हमें ऐसे ही ये फंदे घटा देने हैं और ये घटाकर भी हमें ऐसे ही चार सिलाई बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये चार सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। एक सिलाई घटाने की थी और चार सिलाई और बनाई है हमने ऐसे। अब हम इसको, ये हमारी कैप की लेंथ कंप्लीट हो गई है। ये देखिए आप अपनी किसी कैप से भी मेज़र कर सकते हैं, एक दो सिलाई किसी में एक्स्ट्रा कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखो हमारी 8.5 इंच की कैप होती है और ये हमारी कंप्लीट हो गई है। हम कहीं भी एक दो सिलाई बढ़ा सकते हैं इसमें। अब हम दोनों धागे हमने तोड़ लिए हैं और अब हम ये सारे फंदे ब्लैक धागे में ऐसे सुई में उतार लेते हैं, एक एक करके इस तरह से सारे उतार लेती हूँ। ये देखिए हमने सारे फंदे इस तरह सुई में उतार लिए हैं और हम इनको खींच देते हैं। एक बार इन्हीं में सुई और डाल लेंगे ताकि हमारे फंदे कमज़ोर ना पड़े। एक बार और हम इन्हीं में सुई डाल लेते हैं। ये देखिए ये हमने ऐसे ये सारे फंदे सुई से बंद कर दिए हैं यहाँ पर ऐसे। अब हम इसको बाद में स्टिच करेंगे, चाहे तो हम अभी कर सकते हैं। अब हम इस पूरी कैप को यहाँ स्टिच कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, या फिर हम इसको बाद में करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। अब हमने जो ये ब्लैक धागे ब्लैक बनाए थे, ये कॉर्नर्स बनाए थे, इन सब में हम ऐसे सुई डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें सुई डाली है धागे में, सब में धागा छोड़ा हुआ है, और इसको ऐसे जहाँ पर भी ये फिट आ रहा है, झोल नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, इस चीज़ का ध्यान रखना है ये। और ये यहाँ फिट आ रहा है तो इसको अब हम सुई को अंदर ले जाते हैं यहीं पर ऐसे। ये अंदर ले गए और यहाँ हम इसको ऐसे, ताकि ये हमारी यहाँ निकले और ये अच्छे से हमारा अटैच हो जाए, इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे जितने कॉर्नर हैं सारे बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने पूरी कैप पर कॉर्नर्स लगा लिए हैं। ये कितनी प्यारी लग रही है हमारी कैप, ये देखिए। अब हम इसमें हम कोई भी पर्ल नग या मोती लेंगे, जैसे मैंने ये वाला मोती लिया है, और हम इसको यहाँ पर, मेरा थोड़ा इसमें होल छोटा है, मोटी सुई में नहीं आ रहा है। अगर आपके पास मोटे होल का मोती है तो जब हम ये ब्लैक धागा अंदर करेंगे आप तभी मोती लगा सकते हैं, बट मेरा धागा थोड़ा, मेरा छेद इसमें थोड़ा छोटा है ये देखिए, तो इसलिए मैं बारीक सुई से इनको टक कर देती हूँ। ये हमने मोती तो लग गए हैं। अब हम यहाँ पर वाइट धागा डालेंगे और जहाँ हमारा बॉर्डर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर इसमें हल्का सा कोई भी डिज़ाइन बना देंगे। मैं ऐसे बना रही हूँ, आप देखिए आपको जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है आप वो बना लीजिए। मैं ये वाला डिज़ाइन बना रही हूँ पूरी कैप में, ये हम पूरा नीचे ऐसे जिगजैग बना लेते हैं। अब हम इसको फिर से यहीं ले आएंगे,
अब हम इसको फिर ऐसे आगे ले जाएंगे और ऐसे इधर डालेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरी कैप में एम्ब्रॉयडरी बना ली है। अब हम इसको यहाँ साइड से स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने अपनी कैप को स्टिच कर लिया है। ये देखो कितनी सुंदर कैप बनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए इसमें यहाँ पर ये दो बटन लगाएंगे और यहाँ सेंटर में हम एक ये वाला लगाएंगे और इधर थोड़ा सा इसमें हम मूछ जैसा लुक देंगे। ये देखिए, और कितनी सुंदर हमारी पिंग पोंग वाली कैप बनकर, ये सॉरी कार्टून वाली कैप बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें यहाँ पर एक पिंग पोंग लगा देंगे। आप जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा ही